से यहाँ पे मतलब स्मेलिंग वाला बन रहा है और काम लगभग 80% इसका ख़त्म हो गया, बस ये सेट होगा और नीचे का जो फर्श है ये सब मतलब एक दो सप्ताह में हो जाएगा और इस महीना के लास्ट तक ये पूरा चालू हो जाएगा आप लोग के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें अपना फैमिली को लेकर आइए और दोस्तों बन जाएगा तो कितना मज़ा आने वाला है वो आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि तो दोस्तों वाव वाटर पार्क का ही ये अपना रेस्टोरेंट है। वाव वाटर पार्क का जो मैनेजर साहब उनसे पूछते हैं कि कब क्या होगा यहाँ कब चालू होगा उसके बारे में पूछते हैं। तो मिथिला का पहला वाव वाटर पार्क खुलने जा रहा है और हमारे मिथिला का पहला वाव वाटर पार्क में ही इंक्लूड है ये वाव रेस्टोरेंट और आप यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम आ गए हैं वाव वाटर पार्क में, तो चलिए ये इसी का है वाव रेस्टोरेंट और इसी का वाटर पार्क भी है, तो अभी चलते हैं देखते हैं कार्य कितना प्रगति पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी इसी महीना के लास्ट तक यहाँ पे वाटर पार्क का सब कुछ शुरू होने वाला है। तो अभी फिलहाल काम चल ही रहा है और चलिए दिखाते हैं कितना दिन के बाद हम लोग के लिए आम लोग के लिए खुल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन बनता है। चलिए गाइस, फिलहाल यहाँ से एंट्री है, पूरा नीचे मिल रहा है। इधर से एंट्री पॉइंट है और इधर पूरा सब कुछ बन ही रहा है, यहाँ पे एंट्री सेंटिंग हो रहा है और यहाँ पे फोटो वोटो क्या बन रहा है जो यहाँ पे पड़ी वाला है पंख। चलिए अंदर चलते हैं और इधर से एंट्री है और अंदर से ऐसा व्यू है। अभी काम चालू है, काम बहुत स्पीड से चल रहा है, इस महीना के लास्ट तक हो जाएगा और यहाँ पे लहर वाला बनेगा, यहाँ पे सब लहर वाला बनेगा शायद। काम लगभग 80% इसका ख़त्म हो गया, बस ये सेट होगा और नीचे का जो फर्श है ये सब मतलब एक दो सप्ताह में हो जाएगा और इस महीना के लास्ट तक ये पूरा चालू हो जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग यहाँ आइए और वाटर पार्क का मज़ा लीजिए। तो इस गर्मी में आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा स्विमिंग पूल, वाटर पार्क आइए मज़ा लीजिए। तो बढ़िया बनाया गया, स्पेशियस बनाया गया है, अंदर चलेगा। तो चलिए गाइस, तो देख सकते हैं तीन फीट है शायद इसका हाइट और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें अपना फैमिली को लेकर आइए और मज़ा से नहाइए। और दोस्तों बन जाएगा तो कितना मज़ा आने वाला है वो आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि इधर पूरा और ऊपर से चलिए दिखाते हैं क्या सीन बनता है। और ये दोस्तों दरभंगा से सकरी जाने वाला हाईवे के ठीक इधर है और इधर है दयाल होटल, दयाल ढाबा। और दोस्तों और इधर काम जैसा कि देख सकते हैं बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी मतलब पूरा बन जाएगा, उसके बाद आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं नीचे, क्योंकि पूरा नट वट देख सकते हैं अभी कसाया भी नहीं है, सब कुछ अभी बनना बाकी है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे नहीं तो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो दोस्तों अभी इस पर से ऊपर जा रहे हैं, चिंटू जी मुझे हाथ देगा और इधर स्विमिंग पूल है शायद, इस स्विमिंग पूल होता वाटर बबल जो ऐसे छूटेगा। अच्छा ये वाटर बबल फुहारा वाला, और ये क्या है ये गोल गोल नचने वाला। तो दोस्तों काम पूरा फास्ट में चल रहा है,
और देखते हैं ईद के शुभ अवसर पे चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ का सारा सीन देख लिए और भैया से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सेवा दिया जाएगा। भैया यहाँ पे मतलब खाने पीने में रेस्टोरेंट में सब कुछ मिल जाएगा, सारा चीज़ अवेलेबल, सारा कुछ अभी भी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल। और वाटर पार्क खुलने के बाद तो सब हो ही जाएगा। हमारा रेस्टोरेंट अभी भी स्टार्ट है। वाटर पार्क के बारे में भी थोड़ा कुछ बता सकते हैं जानकारी? ये वाटर अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा प्ले स्टेशन है, वो हमारा रिंग डांस है, वो हमारा वेव पूल है, और ये हमारा 40 फीट का टावर है। यहाँ स्लाइडिंग है और यहाँ से भी एक छोटा सा स्लाइडिंग है, 40 फीट वाला स्लाइड टावर जो है, काफ़ी लंबा स्लाइडिंग है। वहाँ से राउंड ले करके ऐसे आकर के इसमें एंट्री है। वाओ, तो जैसा कि देख सकते हैं नाम भी है वाओ वाटर पार्क, और इतना बेहतरीन यहाँ पे दिखाया गया है कि hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I... जरूर आइएगा एक बार, जब वाटर पार्क स्टार्ट हो जाएगा तो हम आएंगे यहाँ पे फिर से, और वाटर पार्क में भी नहाएंगे और यहाँ का पूरा अच्छा से ब्लॉग बनाएंगे। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, और बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे जब चालू हो जाएगा तब। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वाओ रेस्टोरेंट का और वाओ वाटर पार्क का जो मैनेजर साहब, उनसे पूछते हैं कि कब क्या होगा या कब चालू होगा, उसके बारे में पूछते हैं। तो चलिए बताइए कि ये कब चालू हो जाएगा। ये हमारा अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट तक में हो जाएगा, नहीं उससे पहले चालू हो जाएगा। काम तो देखे कि बहुत फास्ट से हो रहा है, काम 24 आवर चल रहा है सर। अच्छा, प्राइस के बारे में अब पूरा डिसाइड नहीं हुआ? प्राइस के बारे में अभी डिसाइड किया नहीं गया, मीटिंग हुआ उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। जो रूल है वो नेक्स्ट
मतलब स्टार्ट होने के बाद डिसाइड होगा? नहीं नहीं, स्टार्ट होने से पहले डिसाइड किया जाएगा। हाँ। अभी तो पब्लिक को पता भी चलेगा मार्केट में, मार्केट में अभी एडवर्टाइज भी नहीं हुआ है, जहाँ अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ होगा पड़ा हुआ, क्योंकि हम पब्लिक को वो कमेंटमेंट नहीं कर सकते ना जी। हमारा मान लीजिए एक तरीका देखा जाए तो मान लीजिए एक अप्रैल को हमने डिसाइड किया, अभी एक अप्रैल को अपनी नहीं हो पाया जी जी, तो हम फोर्स हो जाएंगे जी जी, उसके वजह से सब कुछ हो जाएगा प्रॉपर वे से, उसके बाद करिएगा। हाँ, प्रॉपर वे से हो जाएगा, पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, इस महीना के लास्ट तक शुरू हो जाएगा, इस मंथ में ओपनिंग होना है सर, जैसे भी होना इस मंथ के ओपनिंग में। तो दोस्तों देख सकते हैं मैनेजर साहब खुद बोले हैं कि इस महीना के लास्ट तक हो जाएगा, तो आप लोग जरूर आइएगा और हम यहाँ पे ब्लॉग बना देंगे, जब स्टार्ट होगा हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हमारे मिथिला का पहला वाव वाटर पार्क खुलने जा रहा है, और हमारे मिथिला का पहला वाव वाटर पार्क में ही इंक्लूड है ये वाव रेस्टोरेंट, और आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, विद कपल, सारे के सारे यहाँ खा सकते हैं आप। बीच में कैबिन दिया गया है, जो कि कैबिन का कोई भी प्राइस नहीं है, हर जगह प्राइस लेता ही है 200-300 एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ कोई प्राइस नहीं है, तो ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और भैया तो दिल ही खुश कर दिए, बिल्कुल फ्री है केबिन चार्ज, आप आइए फैमिली के साथ। हमारे केबिन में कि अगर आप कोई पार्टी फंक्शन होता है जो कोई बड़े आदमी है या कोई 20-30 आदमी है, तो हम केबिन को पूरा 3 केबिन हमारे पास 3 इंक्लूड करके एक बना सकते हैं, उसमें आप इंजॉय कर तो यही रहा के लिए। ये पहला वाव वाटर पार्क है जो कि इसी मंथ में खुलने वाला है, और हमारे मिथिला से गुजारिश है कि वाव वाटर पार्क में सबको वेलकम है, और ये समस्तीपुर, एनएच, देव नेपाल, देव मधुबनी सारे से इंक्लूड है, और टाउन से हट करके ये एनएच के साइड में रखा गया, इसलिए क्योंकि टाउन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे भीड़ नहीं है, इसीलिए टाउन से 10 किलोमीटर हट करके NH 57 बिजली मोड़ सीता पेट्रोल पंप के पास खोला गया, दिल्ली मोड़ से पूरब की ओर 8 किलोमीटर है ये रास्ता, और आप अगर आप आगे चले जाते हैं, अगर आपको ये रास्ता नहीं मिलता है तो जीवस घाट आप जानते होंगे, जीवस घाट से 2 किलोमीटर बैक है, किसी से पूछ सकते हैं वाव वाटर पार्क जाना आपको मिल जाए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है वाव वाटर पार्क पहुँचने में, अगर आपको नहीं रास्ता दिखता है तो हमारे मैप में दिया गया है वाव रेस्टोरेंट करके, उसमें आप मैप में सर्च कर करके हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो आप लोग आ सकते हैं, भैया सब कुछ बता दिए, मैप कैसे कैसे है सब कुछ अच्छा से डिटेल्स, और यहाँ पे दयाल ढाबा भी है बगल में, यो उस नाम से बहुत फेमस है ये जगह, वहाँ से वाव वाटर पार्क का अगर मैप में अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए एक नंबर है, जो कि नंबर हम आपको बता रहे हैं और आप सुन सकते हैं, इसका नंबर है मोबाइल नंबर 7070915144, ये हमारे वाव रेस्टोरेंट का नंबर है, आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर हमारे वाव वाटर पार्क के पहुंचने में कोई प्रॉब्लम्स है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ 7070915144, ये हमारे वाव रेस्टोरेंट का नंबर है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।